Hey you guys, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में. स्वागत है डे 3 में. आज हम कर रहे हैं बर्थडे ग्लो अप. बर्थडे है तो ग्लो अप तो बनता है. आज हम करेंगे स्किन केयर, कल हम करेंगे हेयर केयर. सो आज मैं बताऊंगी आपको अपना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैम्परिंग रूटीन, जिसके लिए हम करेंगे स्टेप वन. स्टेप वन इज क्लिनजिंग. उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा सैफरन विच इज़ केसर. उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना. वन सैफरन इज़ प्रॉपरली डिप्ड ना, कॉटन की मदद से जैसे मैं दिखा रही हूँ उसको लगा के 2 से 5 मिनट अपने फेस का मसाज करना, और 5 मिनट अपने फेस पे वैसे ही रखने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर देना, एंड देन पैट ड्राई योर फेस. नाउ वी विल मूव टू स्टेप 2 विच इज़ मेकिंग अ स्क्रब फेस मास्क. और ये एक्चुअली 2-in-1 है. इसको आप स्किन के साथ साथ अपने बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो. तो पहले हम लेंगे बेसन, फिर हमें लेना है थोड़ा सा मसूर दाल पाउडर, देन हमें लेना है ऑरेंज पील पाउडर, और उसके बाद हमें लेना है थोड़ी सी वाइल्ड टर्मरिक, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है. ठीक है. नाउ अगर आपको इसको अपने फेस पे लगाना है तो इस पर आप लेमन नहीं डालोगे, बट आप इसको फेस पे लगाने के बाद व्हेन यू यूज़ इट फॉर बॉडी, इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स या हल्का सा हाफ स्पून के हिसाब से आपको इसमें लेमन डालना है, एंड देन यू कैन यूज़ इट एज अ बॉडी स्क्रब. ठीक है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ. उसके बाद मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको इसको अपने फेस पे लगाना है. फेस पे लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ देना. 5 मिनट छोड़ने के बाद इसको 2 से 3 मिनट ऐसे फेस पे मसाज कर लेना, एंड देन वॉश इट विथ कोल्ड वाटर, एंड देन पैट ड्राई योर फेस. अच्छे से अपने फेस को धो के साफ कर लेना. जैसे मैं दिखा रही हूँ आप इसको एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो. नाउ वट यू नीड टू डू इज़ एज आई सेड, अपना फेस वॉश कर लेना. पता नहीं मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ. एनी वेज, मूविंग टू स्टेप 3. स्टेप 3 इज स्किन आइसिंग, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेप है. ये आपके सारे पोर्स को क्लोज कर देता है. आपको आइस लेके अपने स्किन पे डायरेक्टली भी मसाज कर सकते हो, बट बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, तो आप एक पतले से मसलिन क्लॉथ या कॉटन के क्लॉथ में उसको रख कर अपने स्किन पे अच्छे से एक आइसिंग करना, अच्छे से मसाज करना अंडर योर आईज. और उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र. मैं आज के लिए एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो कांट अवॉइड. उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे. मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अच्छे से जेंटली एक मसाज दे देना अपने स्किन को, एंड बस यार मतलब हो गया. मतलब मैं बहुत ज़्यादा तामझाम करती नहीं हूँ, और मुझे पता है हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं तामझाम करने के लिए. सो या, दिस इज़ दी मोस्ट ईजी एंड मोस्ट इफेक्टिव पैम्परिंग रूटीन. एंड जस्ट लुक एट द ग्लो, मतलब फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो में देखो चेहरे पे क्या गजब का ग्लो आया है. एंड आई थिंक आई एम ऑल बर्थडे रेडी. सो या, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो. ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिले. स्टे सेफ, बाय.